नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है टेक टॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एप्पल के नए आईफोन के बारे में, जिसका नाम है आईफोन 10 या फिर हम बोल सकते हैं आईफोन एक्स। तो आज हम जानेंगे कि ये आईफोन एक्स है वो क्या है, उसके डिटेल्स फुल स्पेसिफिकेशंस ये जो है ऑफिशियल है, क्योंकि कल ही जो एप्पल है उसने अपने की नोट पे इस आईफोन को रिलीज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे जाके हम देखेंगे कि एप्पल ने जो आईफोन एक्स लॉन्च किया है वो कैसा है। तो ये देखिए, ये है आईफोन एक्स, से हेलो टू द फ्यूचर। अगर हम इस आईफोन के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको होम बटन नहीं मिलता है, साथ ही आपको मिलता है बेजल लेस डिस्प्ले। इस फ़ोन में आपको जो है फेस आईडी से रिकॉग्नाइज होगा आपका लॉक स्क्रीन, और इसमें सिक्योरिटी जो है फेस आईडी दी गई है। जैसा कि आप देखते हैं कि सभी फ़ोन में बेजललेस फ़ोन में आपको नीचे जो है यहाँ पे एक बेजल दिखता है, लेकिन इस फ़ोन में आपको न ही नीचे न ही ऊपर कहीं पे भी आपको जो है बेजल नहीं दिखेगा। ये एक फुल स्क्रीन फ़ोन है। इसके अलावा एप्पल ने एक और फ़ोन लॉन्च किया है आईफोन 8। आप देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर है आईफोन 7 और 7 प्लस के साथ। तो आईफोन 8 की बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी के लिए हम देखते हैं आईफोन एक्स को। तो हम जाएंगे आईफोन एक्स में और देखेंगे इसके कुछ यूनिक फीचर्स। तो दोस्तों ये है आईफोन एक्स या फिर हम बोल सकते हैं आईफोन 10, जो कि एप्पल ने अपने 10th एनिवर्सरी पे लॉन्च किया है। इस फ़ोन में ख़ास बात ये है कि इस फ़ोन में आपको मिलता है फुल स्क्रीन और बेटर कैमरा रिजोल्यूशन। इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी यूनिक है, इसमें आपको जो है फुल स्क्रीन मिलती है, बस एक छोटा सा बीच में ब्लॉक रहता है वो रहता है एक कैमरा, स्पीकर और कुछ और सेंसर्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईफोन के जो लॉक स्क्रीन की, तो ये जो है फेस रिकॉग्नाइज करता है, फेस आईडी एप्पल इसको प्यार से कहता है। ये जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड है और काफ़ी सिक्योर है, ऐसा एप्पल का मानना है। इस फ़ोन में आपको जो डिस्प्ले है वो है 5.8 इंच का सुपर रेटिना डिस्प्ले इस फ़ोन में आपको मिलेगा। इस फ़ोन की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है 10:1। इसके अलावा इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है, इसमें आपको जो है राउंडेड कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे और कर्व्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इस फ़ोन की आगे बात करें तो इस फ़ोन में जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी इम्प्रूव किया है एप्पल ने, और इसमें आपको फ्रंट कैमरा में अलग अलग कलर फिल्टर्स भी मिलेंगे। ये जो है इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो मैंने आपको जैसा कि बताया 10:1 है। OLED स्क्रीन यूज़ किया गया है एप्पल ने, हालांकि एप्पल इसमें फिर से LED नोटिफिकेशन देना भूल गया है। इसके अलावा एप्पल जो है वो इसमें फेस आईडी से रिकॉग्नाइज करेगा आपका फेस और फिर ओपन करेगा लॉक स्क्रीन को। इस फ़ोन में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आईफोन 10 जो है वो आपको वाटरलेस या फिर वाटर रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका जो बैक है वो ग्लास से बना हुआ है, इसीलिए आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस ये फ़ोन है। इसके बाद इसका जो फ्रंट और बैक है वो स्टेनलेस स्टील से इसका जो बैक है वो डेवलप किया गया है। iOS 11 में जो गेस्चर्स है वो काफ़ी इम्प्रूव किए गए हैं। इस फ़ोन में आपको जो है होम बटन नहीं मिलता, इसलिए आपको बहुत से एडवांस गेस्चर्स इस फ़ोन में देखने को मिलेंगे। ए सिंगल स्वाइप टेक्स यू टू द होम स्क्रीन, मतलब यहाँ पे आपको जो है फेस आईडी रिकॉग्निशन जो है वो मिलेगा। एप्पल का मानना है कि ये जो फेस आईडी है वो आपको डे लाइट और नाइट में भी, मतलब लो लाइट में भी जो है आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसके अलावा एप्पल ने इस फ़ोन में जो है अब एप्पल पे के लिए भी जो है फेस आईडी को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। iOS 11 की में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत से नए फीचर्स जो है वो मिलेंगे एप्पल पे के बारे में। इसके अलावा एप्पल ने एक और नया फीचर जो है वो लॉन्च किया है, मैं आपको दिखाता हूँ।
उस नए, ये देखिए ये उसका फ्रंट कैमरा है एप्पल के जो है, उसके पिक्स है फ्रंट कैमरे के सैम्पल पिक्स काफ़ी इम्प्रूवड है, और अब आपको ओप्पो और वीवो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस फ़ोन में कुछ और सैम्पल्स है, ये है फ्रंट फेसिंग कैमरा के सैम्पल्स ब्लड बैकग्राउंड के साथ। पोर्ट्रेट मोड है इसमें, आपको नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, काउंटर लाइट, स्टेज लाइट और आखिर में स्टेज लाइट मोनो, ये सब फिल्टर्स आपको जो है पोर्ट्रेट मोड में मिलेंगे, जो कि आपको 7 और 7 प्लस में पहले नहीं मिलते थे। और ये जो है, ये है इसका कुछ नया फीचर्स। इसमें आप अपने जैसे फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब जैसे आप इसमें अपने फेस को जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, मूव करेंगे अपने फेस को, आपके जो मसल्स हैं वो मूव होंगे, और वैसे ही जो ये इमोजी है वो भी मूव होगा। इसमें जो है 50 डिफरेंट मसल्स को, मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, साथ ही इसमें 12 एनिमोजीज है इंक्लूडिंग पैंडा, पिग और रोबोट। ड्यूअल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको इस फ़ोन में मिलेगा। आप देख सकते हैं कैमरा जो है वो वर्टिकल है, न कि हॉरिजॉन्टल आईफोन 7 या फिर 8 की तरह, और बीच में एलईडी फ्लैश मिलेगी आपको। और कैमरा है उसमें, एप्पल कहता है कि डीपर पिक्सल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, न्यू टेलीफोटो कैमरा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो लॉन्च किया है। पोर्ट्रेट मोड में मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो है नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, काउंटर लाइट, स्टेज लाइट और आखिर में स्टेज लाइट मोनो, ये सब आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा इस फ़ोन का जो स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवड है। लो लाइट में भी ये जो है फोटोज़ और वीडियोस को काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर सकता है। ये है जूम, आप देख सकते हैं जूम की क्वालिटी कितनी अच्छी है ड्यूअल कैमरा में, हालांकि ये आईफोन 7 और 7 प्लस में भी था। इसके अलावा एप्पल ने इसमें जो है A11 बायोनिक चिप यूज़ की है। एप्पल का मानना ये है कि ये जो A11 बायोनिक चिप है ये A10 फ्यूज़न चिप से 70% इम्प्रूवड है। ये जो है न्यूरल इंजन से बेस्ड है, जो कि कैपेबल है 600 बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड करने में। आईफोन एक्स में और आईफोन 8 और 8 प्लस में एप्पल ने A11 फ्यूज़न चिप यूज़ की गई है। इसमें आपको 4 एफिशिएंसी कोर्स मिलेंगे, जो कि 70% फास्टर होंगे 8A10 फ्यूज़न से, मतलब इसका जो सीपीयू है वो 70% फास्टर है, और जो जीपीयू है वो है 30% फास्टर 8A10 के जो फ्यूज़न चिप है उससे। और इसमें आपको जो है अलग अलग गेस्चर्स मिलेंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें एप्पल ने कहा है कि आईफोन 8 और 8 प्लस के बीच बीच की बैटरी लाइफ है वो आपको आईफोन एक्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको जो है जीपीयू, जैसे मैंने कहा 30% जो है वो फास्टर है 8A10 फ्यूज़न से। ये फ़ोन है वो काफ़ी अलग यूनिक डिज़ाइन का है पिछले सभी आईफोन से। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको होम बटन भी नहीं दिया है इस फ़ोन में। इसके अलावा यहाँ जो है यूज़ किया गया है A11 बायोनिक पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस इन गेम्स एंड एप्स, मतलब यहाँ पे एक जो वीडियोस है या फिर फोटो है उसमें आपको जो है डायनासोर वाली थीम लगा के उस वीडियो या फोटो को एडिट किया गया है। इसके अलावा आपको इस फ़ोन में पीछे ग्लास होने के कारण वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस जो है स्पीड चार्जिंग आपको इस फ़ोन में मिलेगी। स्पीड चार्जिंग केबल में स्पीड चार्जिंग भी एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है। और ये देखिए यहाँ पे एक आपको पैड भी मिलता है जिसमें आप तीनों डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, आईफोन, वॉच, एयरपॉड्स, ये तीनों को आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको जो है स्पीड चार्जिंग का फीचर्स भी मिलेगा, जिसमें एप्पल का कहना ये है कि ये आपको 50% चार्ज करके देंगे हाफ एंड आवर में। एयर पावर जो है, ये एक पैड है, एयर पावर में आप सभी एप्पल के डिवाइस को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। और ये है iOS 11 के कुछ स्क्रीनशॉट्स, आप देख सकते हैं ऊपर में जो है एक साइड टाइम दिया गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन, मतलब जो है आपके टावर्स, वाईफाई सिग्नल्स और बैटरी लाइफ दी गई है। काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस जो है इस फ़ोन का बनाया गया है। अगर नोटिफिकेशन पैनल होगा तो वहीं से ओपन होगा।
यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये है आईफोन एक्स और इसमें आपको सीरी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आप नीचे से स्वाइप करेंगे इस फ़ोन में तो आपको जो है वो होम बटन का काम इस फ़ोन में होगा। तो ये है आईफोन एक्स। अब तो दोस्तों ये था आईफोन एक्स जो कि एप्पल ने लॉन्च किया है, इसकी हमने आपको फुल डिटेल दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।